Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Jaspreet. So guys, in this video, I am going to discuss about the new Q card sample. As you all know that guys, the new list of the Q card is already updated, and the examiner can be asked from you like new Q cards from the September month to December. So be prepared for these Q cards. So. इन दिस वीडियो आम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन ऑब्जेक्ट यू फाइंड पर्टिकुलरली ब्यूटिफुल कोई भी आपने एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है जो की आपने कोई पर्टिकुलर ब्यूटीफुल लगा था आपको क्लियर एग्जाम्पल आप देख सकते हो पेंटिंग की स्कल्पचर की या ज्वेलरी और फर्नीचर की क्लियर सो इन दिस क्यू कार्ड यू हैव टू एक्सप्लेन द्यू पॉइंट वेयर द आर्ट वर्क और ऑब्जेक्ट इज ये कहाँ पे था हाउ इट वॉज मेड की कैसे बना हुआ था एंड वॉट इट लुक्स लाइक ये कैसे दिख रहा था एंड एक्सप्लेन वाई यू फाइंड इट पर्टिकुलरली सिर्फ ये पर, पर्टिकुलर आपने क्यों ब्यूटीफुल इसे फाइंड किया था रीजन देना है सो लेट्स बिगिन विद दिस क्यू कार्ड वेल आर्ट गिव्स मीनिंग टू लाइफ जो आर्ट है वो लाइफ को एक मीनिंग देती है आई लाइक ऑल सोर्ट्स ऑफ आर्ट सच एज ड्राॅइंग पेंटिंग एंड वुड वर्क ठीक है मुझे हर एक तरह की पेंटिंग अच्छी लगती है चाहे वो पेंटिंग है ड्राइंग है चाहे वुडवर्क है चाहे बट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा एवरी थिंग इज मशीन मेड बट ये मॉडर्न एरा में जो सब कुछ है वो मशीन मेड होता जा रहा है ठीक है बट हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ हिस्टोरिकल पेंटिंग दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बस इस क्यू कार्ड में मैंने किसकी बात करनी है एक हिस्टोरिकल पेंटिंग की जो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है इट इज अ पेंटिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल विच इज अ सिख श्राइन इन अमृतसर जो कि एक सिख श्राइन है अमृतसर में आई वी विली रिमेंबर वेन आई वॉज इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड माई स्कूल हैड ऑर्गनाइज अ ट्रिप टू अमृतसर मुझे अच्छे तरीके के साथ याद है कि जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था मेरे स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था अमृतसर में एंड आई विजिटेड मैनी अदर प्लेसेज गोल्डन टेम्पल के अलावा भी हम कई जगह पर गए थे वाइल कमिंग आउट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल और जब हम गोल्डन टेम्पल से आ रहे थे आई सो वन शॉप ऑफ यूनिक पेंटिंग आर्ट्स तब मैंने एक यूनिक पेंटिंग आर्ट्स की एक शॉप देखी थी आई वॉज सरप्राइज बाई वॉचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग उस शॉप में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट काइंड की पेंटिंग देखी थी जिसने मुझे सरप्राइज किया था एक्चुअली दैट शॉप कीपर वॉज अ प्रोफेशनल एंड ही शोड मी वन पेंटिंग ऑफ गोल्डन टेम्पल विच वॉज मेड बाई एक कलर्स एंड डेकोरेटेड विद यूनिक मटीरियल वा जो शॉप कीपर था वो प्रोफेशनल था और उसने मुझे एक पेंटिंग दिखाई गोल्डन टेम्पल की जो एक कलर्स के साथ और यूनिक मटीरियल के साथ डेकोरेट की हुई थी पिक्चर वॉज क्लिक्ड इन दी मॉर्निंग टाइम जो पिक्चर थी वो वो मॉर्निंग टाइम पे क्लिक की हुई थी गोल्डन टेंपल की एंड इट शोड द नेचुरल सिनेरियो ऑफ द गोल्डन टेंपल एंड ये क्या शो कर रही थी गोल्डन टेंपल का नेचुरल सिनेरियो इमिडिएटली आई परचेज दैट पेंटिंग इमीडिएटली मैंने उस पेंटिंग को परचेज़ कर लिया था एंड वैन आई रीच्ड होम माई ऑल फैमिली मेबर्स लाइक इट वेरी मच एंड मैं जब अपने घर पहुँचा था मेरे सारे फैमिली मेबर्स ने इस पेंटिंग को बहुत लाइक किया था आई ऑल्सो हैंग दैट पिक्चर ऑन दी वॉल ऑफ माई होम मैंने ये पेंटिंग अपने घर पर हैंग की हुई है वैन एवर आई वेकअप इन दी मॉर्निंग आई गेट पॉजिटिव वाइब्स जब भी मैं मॉर्निंग में इसको देखता हूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं तो दिस वॉज द पेंटिंग दैट वॉज रियली ब्यूटिफुल पेंटिंग है जो एक ब्यूटिफुल पेंटिंग है सो दिस इज एंड ऑफ यूर क्यू कार्ड